बहुत दिन पहले से मैंने सोच रखा था कि मुझे मोटो ब्लॉगिंग करना है। तो बहुत मेहनत करने के बाद मैंने हेलमेट चिन माउंट और राइडिंग ग्लव्स परचेज कर लिया। तो मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर सकता हूँ मैं। कार्टून तो है ENG का हेलमेट, लेकिन अंदर में किसी और कंपनी का ही हेलमेट है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, कौन सी कंपनी का हेलमेट है आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने ये हेलमेट दमक से परचेज किया है, ऑफलाइन में परचेज किया है मैंने। निकाल ले इसे थोड़ा टाइट है। सो फाइनली कुछ साइड कर देते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को हेलमेट। ब्लैक कलर का हेलमेट है, ब्लू कलर का ग्राफिक्स दिया गया है इसमें। स्टील बॉट का हेलमेट है, स्टील बॉट ईयर ब्रांडिंग देख सकते हो आप लोग। स्टील बॉट ईयर का ब्रांडिंग, पीछे भी ब्रांडिंग देखने को मिलेगा इसमें। स्टील बॉट ईयर 1 किलो 30 ग्राम इसका वेट है हेलमेट का, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसका जो साइज है 580 mm इसका साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है हेलमेट, छोटी ही है। हेलमेट अपने हिसाब से लेना चाहिए, जितना बड़ा सर होगा उतना ही हेलमेट लेना पड़ेगा आप लोगों को। उससे ज़्यादा बड़ा लेंगे तो लूज रहेगा, तो फिर वीडियो अच्छी नहीं आएगी ब्लॉग्स। तो मेरा सर जो है छोटा है, तो इसलिए मैंने छोटी साइज का हेलमेट लिया है। मुझे पूरी फिटिंग फिट आता है ये एकदम। तो अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को ये हेलमेट। यहाँ पर जो है ये ईयर इंटेक के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर इधर भी दिया हुआ है ईयर के लिए, और इधर भी दिया गया है। और पीछे की तरफ आप लोगों को दो एग्जॉस्ट मिल जाएगा, जो कि अंदर का गर्म हवा होता है वो बाहर निकल जाए, ताकि पसीना वगैरह गर्म हवा जो सांस लेते हैं हम, वो गर्म हवा इधर से बाहर निकल जाए। यहाँ भी वेंटिलेशन दिया गया है, इधर वेंटिलेशन है, दो वेंटिलेशन दे रखा है इसमें, ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो, आपके सर में पसीना वगैरह ज़्यादा ना हो, इसलिए दिया गया है। ये सिंगल वाइजर है, सिंगल वाइजर है ये। खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, सिंगल वाइजर में है ये, देख सकते हो आप लोग, सिंगल वाइजर है। क्वालिटी ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ठीक है, लाइट वेट है, एकदम कंफर्टेबल राइड कर सकोगे। ISI सर्टिफाइड है हेलमेट। ये हेलमेट मेरे को 3200 का पड़ा है, 3200 का ये हेलमेट मेरे को पड़ा, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। और ये हमारा हेलमेट चिन माउंट है, इसमें थोड़ा मुझे इशू लग रहा है, हेलमेट चिन माउंट जो ओरिजिनल वाली नहीं मिला, काम चल जाएगा हमारे मोटो ब्लॉगिंग के लिए, ज़्यादा ये नहीं है। ये जो मेरे को हेलमेट चिन माउंट जो है ना, देख सकते हैं आप लोग, हेलमेट चिन माउंट का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है फिलहाल मुझे, अभी यही मिला है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई।
ये हेलमेट चिनमाउंट मेरे को 950 का पड़ा है, 950 रुपये का पर मुझे ये ऑफलाइन में परचेज किया हूँ इसका। और ये राइडिंग ग्लव्स, ये राइडिंग ग्लव्स एक हाथ से खोलना मुश्किल है, तो खुल सकता हूँ मैं। खुल गया भाई। ये राइडिंग ग्लव्स जो कि KTM की तरफ से आता है, KTM की राइडिंग ग्लव्स है। क्वालिटी इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है यहाँ पर, KTM का ब्रांडिंग मिल जाता है यहाँ पर। ये निकल्स दिया है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी ठीक ठाक है। ये भी प्लास्टिक का ही है यहाँ पर, लेदर का होता तो अच्छा होता लेकिन इतने सस्ते में कहाँ आएगा लेदर का। ये मेरे को पड़ा 700, 700 रुपये का ये पड़ा है राइडिंग ग्लव्स। तो अब करना है हेलमेट, हेलमेट चिन माउंट को इसमें असेंबल और उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आने वाला है ब्लॉग, मोटो ब्लॉग, वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ मैं, बाइक सुपर बाइक रिलेटेड वीडियो आता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लेना ताकि आपके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। तो यही था आज की वीडियो में।